जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना गाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरे दिल से गाने में भाग लीजिए। गाना क्रमांक एक, आज का दिन। गाना क्रमांक एक, आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक पांच, मेरे लिए एक दोस्त है। गाना क्रमांक पांच, मेरे लिए एक दोस्त है। मेरे लिए एक दोस्त है स्वर्ग से आया है, मेरे लिए एक दोस्त है वह स्वर्ग से आया है। दोस्त से दोस्ती करे वह कितना अच्छा है, दोस्त से दोस्ती करे वह कितना अच्छा है।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 5, अनोखा प्यार। गाना क्रमांक 5, अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, ओ अनोखा प्यार। ऊंचा है, कोई पहुंच नहीं सकता है, गहरा है, कोई डूब नहीं सकता है, चौड़ा है, कोई मिल नहीं सकता, ओ अनोखा प्यार। ऊंचा है, कोई पहुंच नहीं सकता है, गहरा है, कोई डूब नहीं सकता है, चौड़ा है, कोई मिल नहीं सकता, ओ अनोखा प्यार। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 12, मुझको बुलाता वहाँ। गाना क्रमांक 12, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझर का मौसम
हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 14 तेरे गीत गाऊं, गाना क्रमांक 14 तेरे गीत गाऊं, तेरे गीत गाऊं, में प्रभु
प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, गाना क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चयी बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, देश में वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु के साथ।
हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। गाना क्रमांक 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, जब तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस महान परमेश्वर को नाच गाकर धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नचताई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नचताई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नचताई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नचताई के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे देले जान। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे देले जान। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे देले जान। यीशु के प्यार हुए बहुते महान, हमरे गुनाह खातिर दे देले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे लदा। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे लदा। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे लदा। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे लदा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। हालेलुया प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियां मनाए नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 3 विजयी हुआ, गाना क्रमांक 3 विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ विजयी हुआ विजयी हुआ यीशु मेरा। विजयी हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु, विजयी हुआ शैतान हारा हुआ मेरा यीशु, विजयी हुआ विजयी हुआ विजयी हुआ यीशु मेरा।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दिया लंग हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन अब सोचा तू पास बाहर से बाहर बहुत आनंद हो प्यार से कैलन सिका आयो के हम पापी के प्यार से कैलन सिका आयो के हम पापी के पाप की गहराई से हमें निकाले न हो 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 बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद अबे सोचो जुबा से बाहर बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दिया हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुत आनंद हो तेजी से धावत रानी बहुत बिना सकी हो तेजी से धावत रानी बहुत बिना सकियो हमें बुलावे प्रभु दिखावे अपन प्यार हो बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दियलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन अबे सोचो जो पासे बाहर बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दियलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुत आनंद हो आपन वाणी सुने के मौका हमें देवा का आपन वाणी सुने के मौका हमें देवा का दिल सहारा का दिल जीवा हो जाला आदिर हो बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दियलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गए मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुत आनंद हो हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों अभी हम उस महान और जिंदा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं इसलिए आप लोग खड़े ही रहिए और दोनों हाथ ऊंचा उठा करके दिल से प्रभु से कहिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया 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 जोर से तालियां बजाकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो दिल से उसकी स्तुति करो दिल से उसके नाम को ऊंचा उठाओ दिल से उसे कहो धन्यवाद प्रभु 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 धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद स्तुति करेगा ये आनंद से स्तुति करेगा ये प्रभु का नाम स्तुति करेगा ये आनंद से स्तुति कर...
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल से उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, क्योंकि देखिए वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और जहां दो या दो से अधिक उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां वो खुद परमेश्वर आत्मा के रूप में मौजूद होता है। वो परमेश्वर हमारे बीच में यहाँ मौजूद है, और वो हमारे हृदय की ओर, हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति की ओर देख रहा है। जब हम उसकी स्तुति अपने दिल से करते हैं, अपने मुंह खोलकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, तब उस परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि उस परमेश्वर ने इसी हेतु से, इसी उद्देश्य से हम मनुष्य जाति की रचना की है, ताकि हम उसके बनाए हुए कामों की प्रशंसा करें, हम उसकी बढ़ाई करें, हम उसके गुणगान गाएं। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परमेश्वर का सामर्थ्य और उस परमेश्वर का प्यार, जिसने उसके मुंह के शब्द के द्वारा इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बढ़ाई करो, क्योंकि देखिए ये सुंदर आकाश उसने उसके शब्द से निर्माण कर दिया। आज हम ये सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, ये सूर्य का प्रकाश वो हमें बिल्कुल मुफ्त में देता है, इसलिए उसे दिल से धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मौजूद हवा, ये शुद्ध हवा वो परमेश्वर हमें दे रहा है, और उसी के द्वारा हमारे शरीर में ये श्वास शुरू है, ये जीवन है, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। देखिए उसने हमारे लिए कितने प्रकार के अलग अलग जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी बनाए हुए हैं, उसने हमारे लिए सुंदर समुद्र बनाया है, इसलिए उसे धन्यवाद दो। ये नदियां, तालाब, पर्वत, झरने सारे उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए दिल से हाथ ऊंचा उठा करके अपने महान परमेश्वर की आराधना करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके नाम की प्रशंसा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाइए, क्योंकि उसने हमें ये दो हाथ दिए हुए हैं, उसने हमें बोलने के लिए जुबान दी हुई है, केवल उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, इसलिए अपने शरीर का इस्तेमाल उसकी स्तुति करने के लिए कीजिए, अपने शरीर के द्वारा उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें ये जीवन दिया हुआ है, उसी ने हमारे शरीर की रचना उसके पवित्र हाथों से की हुई है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर दिखने वाला शरीर, ये आंखें, ये मुंह, ये कान उस परमेश्वर ने दिए हुए हैं, इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। पहले तो ये दुनिया
तालियां बजाकर उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू प्यार से भरा हुआ है, तू महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। हम दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, हम दिल से तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और जोर से तालियां बजाकर दिल से उसे धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, अपना मुंह खोलकर उसे भला कहो, क्योंकि वो सचमुच भला ही करता है। उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए वो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार से भरा हुआ है। उसने हमारे जीवन के ऊपर एक नहीं बल्कि अमर्याद ऐसे उपकार किए हुए हैं। उसके उपकारों को याद करो, उसके प्यार को याद करो, और उसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसके बदले उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखिए उसने हमारे पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह से बदल डाला और उसने हमें नया जीवन दिया हुआ है। उसने हमें शांति दी हुई है, उसने हमें आरोग्य दिया हुआ है, उसने में चंगाई दी है, और ये जीवन भी प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हमारे पास है। इसलिए अपने जीवन के द्वारा उस प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसकी प्रशंसा करो। देखिए उसके प्यार की ओर, उसके उपकारों को याद करो और उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने हमें उस दुष्ट के हाथ से छुड़ाया है। उसने हमारे जीवन से श्रापों को नष्ट कर दिया, हमारे बहते हुए आंसुओं को उसने बोझ डाला हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी ने हाथ बड़ा करके हमें छुआ और हमारे शरीर से बीमारियां निकल गई, हमारे जीवन से दुख निकल गए, परेशानियां निकल गई। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तूने हमें उस दुष्ट के जाल से छुड़ाया है, तूने हमें दाम दे करके मोल ले लिया है, तूने हमारी कीमत अदा की है, तूने हमें चंगाई दी है। हाँ प्रभु, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। होसाना होसाना होसाना, हाँ।
और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस परमेश्वर ने हम पर कितना प्यार किया हुआ है। उसने जरूर हमें बनाने से पहले इस विश्व का निर्माण कर दिया। इस विश्व की हर एक वस्तु, हर एक चीज उसने हम मनुष्य जात के लिए बनाई हुई है प्रभु। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी पर ही उसका प्यार खत्म नहीं हो गया। धन्यवाद। उसका प्यार इसी पर ही सीमित नहीं रह गया। हाँ प्रभु। बल्कि उसने हम पर अमर्याद, असीमित ऐसा प्यार किया है। हाँ प्रभु। देखिए जिस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर दिया हुआ है और इस शरीर में आत्मा दी हुई है, इसी आत्मा को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर भेज दिया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उसका सबसे बड़ा अनंत प्यार उसने हम पर किया है। स्तुति करते। ऐसा प्यार कि संसार का कोई भी व्यक्ति हम पर नहीं कर सकता। महिमा करते प्रभु। इसीलिए वो परमेश्वर हम पर सबसे अधिक प्यार रखता है। हाँ प्रभु। क्योंकि उसने उसके पुत्र के द्वारा हम पर उसका प्यार साबित किया है। धन्यवाद देते प्रभु। क्योंकि उसने उसके इकलौते एक पुत्र को भी अपने पास न रखते हुए हम सब के लिए बलिदान कर दिया। हाँ प्रभु। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान था। हाँ प्रभु। सारे वैभव और ऐश्वर्य से वो भरा हुआ था। स्तुति करते प्रभु। प्रताप और महिमा उसी के हैं। धन्यवाद देते। उस प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा वैभव, ऐश्वर्य, प्रताप और महिमा छोड़कर मनुष्य रूप धारण किया। हाँ प्रभु। वो हमारे लिए लीन और नम्र बन गया। धन्यवाद देते। देखिए उसकी नम्रता कि जब उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे जा रहे थे तब वो चुपचाप उस मार को सहन कर रहा था। हाँ प्रभु। जब उसके मुंह के ऊपर थूका जा रहा था तब वो थूक भी उसने हमारे लिए सहन कर ली। हाँ प्रभु। जब उसके शरीर के ऊपर चाबुक के फटके मारे जा रहे थे हाँ प्रभु, तब वो चाबुक के फटके भी उसने हमारे लिए सहन कर लिए। जब वो क्रूस का बोझ लेकर के कालवरी के पहाड़ पर चढ़ रहा था और लोग उसे मार रहे थे, सैनिक उसे मार रहे थे, धन्यवाद, उसे बेदम मारा जा रहा था, सचमुच उसने हमारे लिए सहन कर लिया। हाँ प्रभु। हमारे पापों को, हमारे निंदाओं को, हमारे क्लेश, हमारे अपमान को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद देते। ऐसा वो हम पर अनंत प्यार करने वाला हमारा प्रभु है। धन्यवाद देते। देखिए प्रभु यीशु मसीह की ओर, देखिए उसकी ओर, जब उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया, वो मुकुट उसके सर में घुस नहीं रहा था, तब सरकंडे से मार कर उस मुकुट को उसके सर में घुसाया गया। ओ प्रभु। और उस मुकुट में लगे हुए तार उसके सर के आस पार नस नस में समा रहे थे। धन्यवाद देते। पूरी तरह से वो विद्रूप हो गया था। हाँ प्रभु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। धन्यवाद। हम जो पापों से भरा हुआ जीवन जी रहे थे, अपने श्रापों से हम भर चुके थे और अपने बुरे कामों में मशगूल थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। प्रभु। उसने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दे करके हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, ताकि उसके क्रूस पर के बलिदान के ऊपर विश्वास रखकर हमें हमारे पापों की क्षमा मिल जाए और हमारा प्रवेश उसके स्वर्ग में हो जाए। कितना प्यार उसने हम पर किया। धन्यवाद देते प्रभु। कितना बड़ा उपकार उसने हम पर किया। धन्यवाद देते प्रभु। जिस फंदे से हमें निकलना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन था, असंभव था, उसने उसे संभव कर दिया। धन्यवाद अपना लहू और मांस दे करके। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद दो प्रभु यीशु मसीह को। धन्यवाद दो प्रभु यीशु मसीह को। सचमुच प्रभु तूने हम पर सबसे बड़ा प्यार किया है। हाँ प्रभु। तूने हम पर ऐसा अनंत उपकार किया है। तेरी वजह से हमें स्वर्ग में जाने की आशा मिल गई। तेरी वजह से हमें पिता के पास मांगने की हियाव प्राप्त हो गई। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु,
तूने हमें बचाया है, धन्यवाद। तूने हमें छुड़ाया है, तूने हमें उस दुष्ट के जाल से मुक्त किया है, तूने हमें स्वतंत्र किया है। तुझ पर विश्वास करके हम धन्य हो गए। हमारे जीवन को तूने बदल डाला, धन्यवाद। हमारे अस्तित्व को तूने बदल डाला, हमारी पहचान तूने बदल डाली, धन्यवाद। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। सचमुच तेरा प्यार सबसे ऊंचा और सबसे महान है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं, इसीलिए यदि संभव हो तो आप घुटने पर आ जाइए। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और अपना मुंह खोलकर उस परमेश्वर की आराधना करो, उसकी उपासना करो। देखिए वो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और असंख्य देवदूत निरंतर उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु उस परमेश्वर ने हमें भी यह सौभाग्य दिया है कि इस पृथ्वी पर रहकर हम भी अपने परमेश्वर की आराधना करें, हम भी उसकी स्तुति करें, महिमा करते। इसीलिए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, धन्यवाद, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो सम्मान के योग्य परमेश्वर है। जीवित प्रभु को दिल से स्तुति का यज्ञ अर्पण कीजिए, धन्यवाद, अपने होठों से उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि उस परमेश्वर को हमसे और कुछ नहीं बल्कि हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति प्रिय है। उसकी आराधना कीजिए, उसकी बढ़ाई कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसके गुणगान गाइए, धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू वैभव से भरा हुआ परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे नाम का जय जयकार करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी करता हूँ तेरी आराधना।
प्रभु मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए और अपने दिल का दरवाजा खोलिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पेंटेकोस्त के दिन प्रभु ने उसके चेलों को उसके पवित्र आत्मा से भर दिया, आज वो फिर हमें उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। इसलिए मांगो उससे पवित्र आत्मा, बुलाओ उसके पवित्र आत्मा को। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल में आ जा, अपनी धधकती हुई आग लेकर हमारे हृदय में तू प्रवेश कर, अपने सामर्थ्य से हमें भर दे, अपने प्यार और संयम से हमें भर दे, अपनी नम्रता और शांति लेकर आ, अपने आनंद से हमारे जीवन को तू भर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र पावन आत्मा अंतरयामी, पावन आत्मा पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रेरित पौलुस की कुलुसियों के नाम पत्री अध्याय 3:16 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुने। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकारा था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते थे, ऐसे लोगों को प्रेरित पौलुस लिख रहा है, बता रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, रहने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान यानी पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान, आधा ज्ञान नहीं, सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। परमेश्वर के ज्ञान को एक दूसरे को दीजिए, परमेश्वर के ज्ञान से एक दूसरे को सूचना दीजिए, सिखाओ, ताकि हर आदमी यीशु मसीह में सही चले, गलत रास्ते से न जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपने दिल में अनुग्रह के साथ, हालेलुया, अपने दिल में अनुग्रह के साथ भजन गाओ, स्तुतिगान गाओ और परमेश्वर के गीत को गाओ। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का स्वीकार करने के बाद इन चीज़ों को करना जरूरी है। कौन सी चीज़ें? हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने देना चाहिए, रखना चाहिए, भरना चाहिए। Our hearts must be filled with the words of Jesus Christ. Hallelujah. हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह के शब्दों को भरना है, रखना है, बसने देना है और एक दूसरों को भी हमेशा सिखाना है। क्या सिखाना है? मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि कोई भाई या बहन गलत रास्ते से न जाए, कोई भाई या बहन परमेश्वर के खिलाफ न जाए, कोई भाई या बहन परमेश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ न जाए, कोई भाई या बहन परमेश्वर को नाराज न करे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया तो हमने सत्य की बाजू ली है, हम सत्य की ओर से चलना चाहिए। जो यीशु मसीह का स्वीकार करता है वो सत्य का स्वीकार करता है, प्रकाश का स्वीकार करता है, जीवित परमेश्वर का स्वीकार करता है। हमारा रास्ता भी अलग हो चुका है, हम जानते हैं कि हम सत्य से चलने चाहिए, असत्य से नहीं, प्रकाश के रास्ते से चलने चाहिए, अंधार के रास्ते से नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे दिल के अंदर प्रभु के वचन को भरना है। हालेलुया, अधिकाई से भरना है। कौन से वचन है? हम जानते हैं प्रभु ने क्या बताया है। सबसे पहला और भारी वचन है, एक दूसरे से प्यार करो, तुम तुम्हारे पड़ोसी से प्यार करो। दिन में कितनी बार बोलना चाहिए, मैं सबसे प्यार करना चाहिए। फिर प्रभु ने कहा सबको क्षमा करो, प्रभु कहता है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु कहते हैं पाप को कबूल करो, पाप को कबूल करना है। हमारी गलती होती है, हमें पाप कबूल करना है, प्रभु एक पाप मैंने किया है, मैं कबूल करता हूँ एक पाप मैंने किया है। फिर दया करो, कोई आदमी आपको कुछ तकलीफ देता है आप उससे दया करनी चाहिए। फिर हमेशा प्रार्थना करो,
फिर प्रभु कहते हैं बदला मत लीजिए, बदला नहीं लेना। कोई हमें तकलीफ देता है हम उसका बदला नहीं लेंगे, डोंट टेक द रिवेंज। फिर प्रभु कहता है दान करो, क्या हम दान करते हैं? दान करो। प्रभु जो कुछ कहता है उसको हमको दोहराना है, उसको हमें हमारे दिल में भरना है। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है चोरी नहीं करना, प्रभु कहता है रिश्वत नहीं लेना, प्रभु कहता है रिश्वत नहीं देना, प्रभु कहता है औरत को मारपीट नहीं करना, प्रभु कहता है भाई की प्रॉपर्टी नहीं लेना। प्रभु जो कुछ कहता है उस प्रभु के वचनों को हमारे दिल के अंदर हमें भरना है, भर देना है। मसीह के वचनों को तुम्हारे दिल में भर दीजिए, बसने दीजिए। जब आप मसीह के वचन को अंदर डालेंगे दुनिया के शब्द बाहर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा दिल फिलहाल हमारे दिल जो है वो दुनिया के शब्दों से भरा है। हम कहते हैं उसको नहीं छोड़ना, उसका बदला लेना, उसको क्षमा नहीं करना, ये सब दुनिया के शब्द है, ये शैतान की सिखावट है, वो हमारे दिल में भर चुकी है। जब हम कहेंगे प्रभु कहता है क्षमा करो, प्रभु कहता है क्षमा करो, तो दुनिया के शब्द बाहर जाएंगे, भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचनों को हमारे दिल के अंदर भरना है। मसीह के वचन मैंने बताए कौन से वचन है, क्षमा करो बदला मत लीजिए, पाप को कबूल करो, पाप के लिए पश्चाताप करो, पापों की क्षमा मांगो, दान करो, दया करो, शांति से रहो, प्यार करो यानी मोहब्बत करो, नफरत मत करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु बताता है जो तुम्हारा छल करता है उनके लिए प्रार्थना करो, यीशु का वचन है। इन सब वचनों को हमें अंदर डालना है, अंदर डालना है। जब ये अंदर जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अंदर जो भरा है ना वो बाहर भाग जाएगा। अंदर क्या भरा है, अंदर ऐसा भरा है इसको नहीं छोड़ना, बदला लेना, खून करना, चोरी करना, दान नहीं देना, दूसरों को देना नहीं, दूसरों को लेना है, दूसरों से लेना है। दुनिया सिखाती है ना, दूसरों को देना नहीं, दूसरों से लेना है। किसी को क्षमा नहीं करनी, मारपीट करनी है, दया नहीं दिखानी है, ये सब हमने पठन किए हैं, शब्द अंदर डाले हैं, इससे दिल भरा हो चुका है। लेकिन प्रभु के वचन को अंदर डालेंगे ये वचन बाहर भाग जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है औरत लोग अपने पति के आज्ञाओं का पालन करेंगे, औरतों पति के आज्ञाओं का पालन करो और पतियों तुम औरतों से प्यार करो, बराबर। तो जब पति औरत को मारने को जाता है अंदर से आवाज आता है, प्रभु कहता है औरत से प्यार करो, प्रभु कहता है औरत से प्यार करो, प्रभु कहता है औरत से प्यार करो, तो ऐसा हाथ जाता है नीचे आता है। एक औरत थकी हुई है, घर में थकी हुई है, काम करके थक गई है, पति कहता है अरे मेरे लिए चाय बनाओ, तो उसको गुस्सा आता है, इतनी थकी है उसको दिखता नहीं है, वो बोलता है चाय बनाओ, तो ऐसे देखती है, बोलने को आता है उतने से अंदर से आवाज आता है, पति उनके आज्ञाओं का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, तो ऐसे देखती है फिर जाके चाय बनाती है। फिर जाके चाय बनाती है, उसको गुस्सा आता है, मैं इतना काम किया है, मैं इतनी थकी हुई है, मेरे पति को दिखता नहीं है, अभी बोलता है चाय बनाओ, तो ऐसे गुस्से से देखती है, बोलने को आता है उतने में अंदर से आवाज़ आता है, प्रभु कहता है पति की आज्ञा का पालन करो, प्रभु कहता है प्रभु की पति की आज्ञा का पालन करो, तो ऐसे देखती है, फिर ऐसे करते और जाके चाय बनाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों क्या काम करता है प्रभु का वचन, जो अंदर बैठता है अंदर से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझो एक टेबल है, टेबल के ऊपर घड़ी है, बहुत भारी घड़ी है,
कहाँ, वहाँ कोई नहीं है, किसकी घड़ी है मालूम नहीं है। आप जाते देखते, अरे बहुत अच्छी घड़ी है, कोई दिखता नहीं यहाँ, किसकी मालूम नहीं। अरे जेब में डाल सकता है कौन बोलेगा, उठा के जेब में डाल सकता है कौन बोलेगा, यहाँ कोई दिखता नहीं है। लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं, उठाने जाते हैं अंदर से आवाज आता है, प्रभु कहता है चोरी मत करो, प्रभु कहता है चोरी मत करो, प्रभु कहता है चोरी मत करो, वैसे ही रखे चला। अरे भैया अभी कोई मुझे मत कहे ब्रदर मेरे पास प्रभु की वचन बहुत है, मतलब कहाँ है, बाइबल में है, मेरे पास 10 बाइबल है, ये 10 बाइबल आपके कपाट में रखे हुए है, क्या फायदा। बाइबल पढ़कर ये वो यहाँ डालना चाहिए तब फायदा होगा, बाइबल घर पे रखेंगे क्या फायदा है। वचन है कहाँ है, बाइबल में है, बाइबल कितने हैं, 10 बाइबल है मेरे पास, क्या फायदा। अंदर डालना मांगता है तो अंदर से वो काम करता है, अंदर डालेंगे तो बोलेगा चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो। आपके घर में बाइबल है वो कैसे बोलेगा, हालेलुया हालेलुया। मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो, अंदर डालो, बहुत डालो तो क्या हो जाएगा, अंदर से पावर आएगी, अंदर से सामर्थ बाहर आएगा। समझ लीजिए कि अभी दान थैली घुमा रहे हैं, दान थैली घुमाते वक्त जब दान थैली आएगी आप जेब में हाथ डालेंगे पैसा निकालने के लिए, बराबर, तब अंदर से आवाज आएगा, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा, दिया करो तुमको दिया जाएगा। तुमने 10 रुपये की नोट ले, ये रखो, 100 रुपये की नोट रखो, रखो 500 रुपये की नोट, हाँ डालो, हालेलुया हालेलुया। लेकिन अंदर से आवाज आएगा तो ना, अंदर से क्या आवाज आएगा, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। यदि ये वचन तुम्हारे अंदर नहीं है तो आवाज़ कैसे आएगा, तो तुम 8 आना ढूंढोगे, 8 आना, 8 आना कहाँ है, 1 रुपया कहाँ है, कितने लोग ढूंढे हैं, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना क्यों ढूंढे हैं, क्योंकि उनके हेड ऑफिस में प्रभु का वचन नहीं है, हेड ऑफिस में प्रभु का वचन नहीं है। मनुष्य के शरीर में सबसे अच्छा भाग दिल है, भेजा भी नहीं, भेजा भी हमें सही रास्ते से नहीं लेता है, हाथ पैर महत्वपूर्ण नहीं है, दिल सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर प्रभु के वचन रहने चाहिए, हालेलुया। प्रभु के वचन दिल के अंदर रहने चाहिए, हालेलुया। और एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ, एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ, हालेलुया हालेलुया। आपका भाई का काम करने के लिए जा रहा है, वो बोलता है मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, बिना रिश्वत काम नहीं हो जाएगा, उसको बोलना रिश्वत नहीं देना। अरे वो बोलता है रिश्वत नहीं देगा तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, तुम रिश्वत नहीं देना, काम प्रभु करेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी तुमने तुम्हारे भाई को बताया रिश्वत नहीं देना, इसको बोलते हैं दूसरों को सिखाना, इससे तुम प्रभु का वचन उसको दे रहे हो, प्रभु का वचन है रिश्वत नहीं देना। तुमने भाई को बताना बताया रिश्वत नहीं देना, इसको बोलता है प्रभु का वचन दूसरे को सिखाना, ये भी चालू रखना चाहिए, हालेलुया 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 हालेलुया। हम पूरे ज्ञान से एक दूसरों को सिखाना चाहिए, एक दूसरों को चिताना चाहिए, पूरे ज्ञान से। तो कहना है क्षमा करना जरूरी है, पाप को कबूल करना जरूरी है, रिश्वत देना नहीं, रिश्वत लेना नहीं, दान देना जरूरी है। ये प्रभु के वचन में तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, चिता रहा हूं। तो वचन को अपने दिल में भर के रखना, वचन को दूसरों को सिखाना चिताना, और तीसरी बात करनी है कौन सी, हमेशा प्रभु को भजन गाना, हालेलुया हालेलुया, स्तुति गान गाना, हालेलुया हालेलुया। और धार्मिक गीत जो है प्रभु के गीत जो गाते रहना। समझ लीजिए आप बस में बैठे हैं, BST बस हो या हमारे ST बस हो, बैठे हैं कॉर्नर में बैठे हैं, बाजू में देखते हैं अच्छा अच्छा है, तो अचानक आपके मुंह से गाना आता है, बराबर, कौन सा गाना आएगा,
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। बराबर ऐसा गाना मुंह से आना मांगता है, फिर थोड़ी देर के बाद एक गाना खत्म होने के बाद दूसरा गाना आना मांगता है। सुंदर सुहानी जिंदगी, बराबर ऐसा एक के बाद एक के बाद एक के बाद नया नया प्रभु का गाना बोलते जाओ, बराबर तो क्या हो जाएगा, आपके दिल को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अभी आप नए नए प्रभु में आए हैं तो ऐसे गाने मुंह से नहीं आते हैं, तो कौन सा, मेरा जीवन कोरा कागज, अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से आया मालूम है, ये पहले भरा था ना, वो अभी तक बाहर नहीं गया है ना, इसका रिकॉर्डिंग पहले हुआ है तो अभी तक बाहर गया नहीं ना। तो आप कौन सा गाना बोलते हैं जब बस में बैठते हैं, मुंह से कौन सा गाना आता है, अपने प्रभु का गाना आता है या दुनिया के गाना आता है? नफरत की दुनिया को छोड़ के, हमारे हनीफ भाई हंस रहे, ओ मुझे लगता है वो गिन रहे ब्रदर को कितने गाने आते हैं, एक हो गया दूसरा हो गया, बराबर मुंह से कौन सा गाना आता है। जब मैं यीशु के पास आया पहले पहले साल में मेरे मुंह से दुनिया के गाने आते थे, मतलब ये क्या हो रहा है, अब चुप, अपने आप को चुप करना है, ये दुनिया में सबसे भारी काम अपने आप को चुप करना, हल्का काम औरत को चुप करना, ये बहुत हल्का काम है, ए बोलना नहीं वो बेचारी चुप रहेगी, हाँ औरत को चुप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने शादी के वक्त तुम्हें प्रॉमिस किया है मैं चुप रहूंगी, जब तुम चुप बोलोगे चुप रहोगी, वो चुप रहती है, अपने आप को चुप करना कठिन बात है, अपने आप को जो चुप कर सकता है वो पूरे दुनिया को चुप कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई और बहनों प्रभु के वचन को अंदर भर देना है, पूरा भर देना है, जितना हो सके उतना बाइबल पढ़ो, बाइबल में नया करार ज्यादा पढ़ो, जितना हो सके इतना पढ़ो, फिर सीडी पे वचन प्रवचन सुनो वो भी अंदर जाएगा, ये सब पढ़ते जाओ और दिल में वचनों को भरो, जितना ज्यादा भरोगे उतना आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु को भजन गाओ, स्तुतिगान गाओ और गीत गाओ हमेशा, चलते चलते हम जाते हैं ना कभी रास्ते से चलते हैं, बस में बैठते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमारे मुंह से गाना आना मांगता है। हालेलुया। मैं हमेशा गाना बोलता हूँ, पड़ोस वाला हंसो न हंसो, कोई लोग मुझे मैं गाना बोलता तो हंसते हैं, हालेलुया उनको हंसने दीजिए, मुझे मालूम है मेरा आवाज अच्छा है, हालेलुया किसको मालूम नहीं तो मैं क्या करूं, हालेलुया हालेलुया। छोड़ना नहीं, गाना बोलते रहना, रास्ते में चलते वक्त, बस में बैठे, गाड़ी में, ट्रेन में ऐसे खड़े है, ए, ए, एक बार यहां से आता है एक बार सामने से आता है, ए, 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 जब से प्यारा यीशु आया, बराबर आप बोलेंगे ब्रदर क्या चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं बिना फैन मेरा प्रवचन सुनते हैं, उनको गर्म नहीं होता है, बाकी लोग ये क्या चालू है तुम्हारा, क्या मैंने फैन निकाला क्या, मेरे पास फैन है तो मुझे गर्म नहीं करता, आपको कैसे गर्म होता है, ये देखो ये भाई कहाँ गर्म फैन हिलाता है, उसको नहीं गर्म होता आपको कैसे गर्म होता है, इसका कारण है उसका पूरा ध्यान मेरे प्रवचन पर है, आदत होनी चाहिए, कहां भी चलेंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, कोई सुने ना सुने अपने लिए अहंकार है,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया का भंगार अंदर मत डालो, वो भंगार अंदर डालेंगे भंगार बाहर आएगा। कोई लोग मुंह खोलते तो पहला शब्द गाली होती है, गाली मारता है, अंदर भरी है ना गाली, वो अंदर से बाहर आती है, जंबो जैसे कुत्ती है। हालेलुया। वचन कहता है मसीह के वचन को अंदर भरो, पक्का भरो, और सुनो और पढ़ो, और सुनो और पढ़ो, वचन को अंदर भरो, गाना गाते रहो, एक दूसरे को मसीह के वचन को बताते रहो, तो क्या हो जाएगा, दुनिया के गंदगी से आप दूर रहेंगे, दुनिया के अपवित्रता से आप दूर रहेंगे। दुनिया की गंदगी, दुनिया की अपवित्रता, दुनिया का पाप अपराध जो है उससे हम दूर रहेंगे, हमारा जीवन सीधा रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, दिल के अंदर प्रभु के वचनों को भर देना है, दूसरों को वचनों को बोलना है, सिखाना है, और गाना बोलते रहना है। हालेलुया। जहाँ जाएंगे वहाँ गाना बोलो, हालेलुया 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। शिव कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? राजकोपर से। क्या गवाही है आपकी मम्मी की? मेरी माँ का एक साल पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ था, घुटने तकलीफ, कमर में तकलीफ था, पूरा बॉडी में इतना ज़्यादा तकलीफ था कि वो अपने कपड़े भी नहीं बदल पा रही थी, और बहुत काफ़ी रो रही थी अकेले होने की वजह से। तो मैं भी बहुत निराश हो गया था, दवा बहुत करने के बाद भी, सब चेकअप करने के बाद भी उनको आराम नहीं हुआ, मैं बहुत निराश हो गया था। यहाँ तक माँ बोल रही थी कि मेरा दिल करता है कहीं मैं चली जाऊँ। फिर मैंने घबरा कर मैं केंद्र पे फ़ोन किया, सिस्टर को मैंने कहा कि सिस्टर प्रार्थना कर लीजिए, सिस्टर ने घर पे प्रार्थना की पर्सनल, तो उसके बाद जो है कि मेरी माँ को चंगाई मिली, प्रभु का धन्यवाद। फिर वापस उनको मलेरिया हो गया था जिसकी वजह से और कमज़ोर हो गई, तो छुटकारा के प्रार्थना सुनने से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, आज वो अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है, मुझे 3-4 साल से, 2 साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले से मेरे कमर के रीढ़ की हड्डी के जो नीचे का मनका है उसमें गैप था। मैंने KM हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट निकाला था, गैप था, डॉक्टर बोलते थे कि आप अगर बैठना भी हो तो कुछ नरम जगह पे बैठो, और लेकिन मैं नहीं कर पाता था। मैं बाइक पे भी बैठता था तो इतना दर्द होता था उठते समय कि मैं रो देता था अंदर अंदर, बस में भी ट्रैवलिंग करते समय तकलीफ होती थी, नीचे बैठ के भी उठने को भी तकलीफ होता था, मैं काफ़ी निराश था उस चीज़ से कि मैं कैसे चंगाई मिली। लेकिन मैं अपने उस प्रार्थना भवन में अपने परिवार मीटिंग के समय सिस्टर जी जब आशीष दे रहे थे, उस समय जब मुझे आशीष दिया तो मैं स्पर्श से दूर जाकर गिरा, तो मेरे कमर से कुछ हड्डी सरकी, तो मुझे एक बहम डर हो गया कि लगता है मुझे कुछ हड्डी क्रैक हो गया, और मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, इतना मुझे दर्द हो रहा था, मैं रोने लगा कि मैं कैसे घर पर जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने वो मनखा को जगह पर कर दिया और चंगाई दे दिया कि आज 2 साल हो गया मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि। आप बता रहे हैं कि उस समय जब सिस्टर ने आपको आशीष दी, आप स्पर्श से दूर फेंके गए प्रभु के सामर्थ्य से, और उस समय पे आपके दिल में ऐसा डर हो गया कि इतनी तकलीफ बढ़ गई कि अब तो उठना मुश्किल है, कुछ हड्डी ऐसा क्रैक हुआ और सरका हो, तो मुझे डर लगा कि गिरने से मेरी कुछ हड्डी क्रैक हो गई, मुझे और डर हो गया कि अब सामर्थ्य दर्शन में मैं खड़ा रहूंगा कि नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर मैं हो, लेकिन परमेश्वर मुझे अनुभव नहीं था कि परमेश्वर अपना चमत्कार कर रहा है, और मुझे आज तक चंगाई मिली, मुझे 2 साल पहले ही मिल गई, मैं लेकिन गवाही नहीं दे पाया, लेकिन आज पूर्ण मैं महसूस कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ एकदम, मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं, घंटों बैठा रहता हूँ तब भी तकलीफ नहीं, बाइक पे बैठता हूँ तो भी तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। आपको इस तकलीफ की वजह से झुकने में या निहुरने में आपको कोई दिक्कत आती थी? झुकने में प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाता था तो उठने नहीं होता था, वो दर्द होती थी, बाइक पे बैठ जाता था कहीं जंप बाइक करती थी तो मैं रोने लगता था, बस में बैठने रोने लगते थे, इतनी तकलीफ होती थी, पूरा तकलीफ होता था, बस आंस नहीं गिरता था लेकिन मैं अंदर से बहुत रोता था, मैं बस में भी बैठने के बाद उठ नहीं पाता था, मैं नीचे बैठता था तो उठ नहीं पाता था मैं।
तो ये दो सालों में आप जो इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस दरमियान भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। प्रभु ने इन्हें पूरी तरह से चंगा ही दिया। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। शर्मिला विश्वकर्मा। क्या हो रहा था आपको? मुझे गए हफ्ते में एकदम मेरा हाथ पैर ठंडा हो रहा था और बिल्कुल ताकत नहीं था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, गिरते जा रही थी। तो अचानक मैंने वचन चालू किया था शाम को, तो वचन सुना तो इसके बाद अचानक हाथ सीने पे रखा और अचानक उसी घड़ी मेरे को एकदम से आराम होने लगा। तो मैं बोली कि अचानक ऐसा कैसे हुआ? तो मुझे याद हुआ कि मैंने प्रभु का वचन सुना और इसलिए मुझे सामर्थ्य आया, वो मैं चंगी हो गई। आपको हाथ पैर में ऐसे ठंडापन आ रहा था और बीपी कम होने की वजह से तकलीफ? एकदम से, पूरी तरह से। मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे गिरते ही जा रही थी। जहाँ कहीं खड़ी रहती तो मेरे को आँख से भी एकदम धुंधला दिख रहा था। मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं खड़ी होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे गिर जाती थी मैं एकदम से। तो वो वचन सुना तो उसके बाद में मैंने सीने पे हाथ रखा, लास्ट में प्रार्थना बीच वचन खलास होने के बाद, तो अचानक प्रभु का सामर्थ्य आया। वो उसी घड़ी मेरे को एकदम से अचानक सब कुछ निकल गया और मैं सब काम करने लगी। अब आज तक मैं ठीक हूँ, एकदम से प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। आपने प्रभु वचन सुनते समय आपको प्रभु का स्पर्श हुआ? हाँ, प्रभु का वचन सुनते समय। और अभी तभी से आपको जो शरीर में तकलीफ हो रही थी वो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। इसके पहले मैं एनर्जल पाउडर पी रही थी कि कुछ फ्रूट खा रही थी, मुझे कुछ भी हो नहीं रहा था। मैं सब कुछ करके थक गई थी। लगभग ये 15 दिन से चालू था लेकिन 5 दिन से मैं पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। और आज क्या हो रहा था? आज मैं सुबह से मैं आने को कोशिश कर रही थी लेकिन मैं आ ही नहीं पा रही। मैं बिस्तर पर 8:30 बजे तक सो ही रह गई। मुझे 9 बजे निकलना है, 11 बजे की प्रार्थना है, लेकिन मैं उठ भी नहीं रही हूँ। मेरे पति बार बार मुझे उठा रहे हैं, मैं बार बार उठ के सो ही जा रही हूँ। मैं फिर अचानक उठी तो देख रही 8:30 बज गया। बोल रहे कि आज जाना नहीं है, मैं बोली हाँ चलना है, बोलते इतना बज गया। फिर मैं बोली प्रभु मुझे लेके चलेगा। मतलब घर में रुकावट हो रही थी कुछ ना कुछ, और आपको भी शरीर साथ नहीं दे रहा था? बिल्कुल नहीं। और मैं जो भी काम सुबह कर रही हूँ मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, अपनी तैयारी कर रही हूँ लेकिन उसमें भी मेरा हाथ चल नहीं रहा है। तो भाई अचानक नहाते वक्त बोली प्रभु मुझे तू लेके चलेगा, आज मुझे प्रार्थना में तू लेके चलेगा और समय पर पहुँचाएगा। और अचानक हम लोग तो लगभग 10 बज के गया था तब निकले और 40 मिनट में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और प्रभु का प्रार्थना हुए मिल गई। मैं प्रभु का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सावित्री अटवाल है। क्या समस्या थी आपके जीवन में? मेरे जीवन में समस्या थी बच्चों का शादी किया ना, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था और बहुत ताना मैना ऐसा करते थे हम लोग घर में, एक दूसरे को ताना देते थे घर में, परेशानी थी बहुत लड़ाई। मैं घर भी छोड़ कर चली गई थी, फिर मेरे बेटे लेके आए मुझे और परमेश्वर ने अभी 1 साल से हमें ऑनलाइन प्रार्थना देखते हैं और प्रेयर करते हैं। मैंने दिल से प्रेयर किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, अभी हम खुशी से और शांति दी, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आप बता रहे हो कि आपके बहू के साथ में आपका जमता नहीं था, हमेशा घर में झगड़ा और अशांति रहती थी? हाँ, बहुत झगड़ा रहता था, हम रोते रहते थे, घर में टेंशन और परेशानी और दुख था। लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, मैं बोले प्रभु पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुन, हमारा मेल मिलाप करा और हम अच्छे से रहे जैसे पहले रहते थे, हमारा घर ऐसा ही बना दे। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और फिर से प्रेम दे दिया, परमेश्वर को धन्यवाद। आप ऑनलाइन का कार्यक्रम कब से देखते हैं? 2 साल हो गए कार्यक्रम देख रहे हैं। और तब आप प्रार्थना करते रहे प्रभु के पास से? मैं प्रार्थना करती रही, परमेश्वर पिता तू हमारे घर में तेरी शांति और तेरा प्रेम भर दे ताकि हम तेरी महिमा करते रहे, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहे और हम तेरे नाम में फटा खड़े रहे। और अभी घर में झगड़ा नहीं होता, प्रभु की शांति आ गई है? हाँ, हमारे जीवन में बहुत शांति है, परमेश्वर को धन्यवाद दे। आपका नाम बताइए। मनीषा गुप्ता। क्या हुआ था आपको? मुझे 15 दिन पहले सुबह उठने के बाद मेरे सीने में ना पूरा जाम हो गया था और हाथ पैर लूज हो गया था, काम ही नहीं करने की इच्छा हो रही थी, बहुत मतलब जबरदस्ती काम कर रही थी। तो मैं 2-3 दिन ऐसे ही हो रहा था, मैं 2-3 दिन लगातार प्रार्थना सुन रही थी, प्रवचन सुन रही थी और उसमें चंगाई की प्रार्थना सुनते सुनते मेरी यह समस्या निकल गई। इसीलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ऐसी है कि
मैं प्रार्थना में बैठती थी, बरोबर बैठती थी, लेकिन बैठने के बाद ना थोड़ी देर के बाद मेरा ध्यान भटक जाता था, फिर याद आता था अरे मैं प्रार्थना में बैठी हूँ ना, फिर उसके बाद थोड़ी देर सही रहता था, फिर ध्यान भटक जाता था। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मैं जबरदस्ती अपना ध्यान लगाना कोशिश करती थी पर लगती नहीं थी, कुछ ना कुछ हो ही जाता था। फिर ये समस्या मैं अपने सिस्टर से बताई तो सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, तभी से मेरा ध्यान बरोबर प्रार्थना में अभी लगता है, मेरा ध्यान नहीं भटकता है। और मेरी दूसरी गवाही ऐसी थी कि मेरे मन में कुछ इच्छा थी कि मैं दान करूं, और तो मेरे बस में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं करना चाहती थी और मैं प्रभु से बोलती थी मेरी यह इच्छा है कि मैं करूं, और प्रभु ने मेरी यह इच्छा लॉकडाउन में पूरी, जो कि मेरी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने ही किया, लेकिन मेरी इच्छा को पूरी की, मैंने वो दान पूरा दिया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। आनंद कुमार जायसवाल। कहाँ से आए हैं? युवा से। आपकी क्या गवाही है? एक महीना पहले मेरे बच्चे को बार बार जब उसको जुकाम पकड़ता था तो उसको जुकाम भी पकड़ता था, और उसके बाद में उसको बुखार भी आ जाता था, निमोनिया भी पकड़ लेता था। फिर बाद में घर पे मैंने फ़ोन किया तो घर वाले बताने लगे, तमाम किसी को दवाई बताने लगे, उन लोग ऐसा करो ऐसा करो। फिर उन लोग को मैंने डांटा, हूँ मैं ठीक है कोई बात नहीं है, अभी मैं अपने प्रार्थना घर में जाएगा, बड़ी बहन को बताएगा, हमेशा अपना वहाँ ठीक हो जाएगा। फिर मैं आया, बहन को हमेशा बताया, बहन ने प्रार्थना की, उसके बाद से अभी मेरे बच्चे को जुकाम होता तो है पर जो है अपना खांसी भी नहीं आता है, उसको बुखार भी नहीं पकड़ता, निमोनिया भी नहीं पकड़ता है। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं दिल से धन्यवाद। आपका बेटा कितने साल का है? वो डेढ़ साल का है। डेढ़ साल का है, यानी कि पहले जब कभी उसे सर्दी होती थी तब उसे निमोनिया बुखार शुरू हो जाता था। हाँ, लेकिन अभी इन दिनों में जब से आपने सिस्टर के पास से आशीष ली, उसे सर्दी हुई लेकिन निमोनिया बुखार ये तकलीफें नहीं हुई? नहीं हुआ। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन रवीना निकेश निकोले उनकी दोनों बेटियों की गवाही बता रही है कि उनकी बड़ी बेटी पूर्वी के कान में 4 साल से रह रहकर दर्द हो रहा था, उसे बहुत तकलीफ होती थी, वो रोती रहती थी। ये बहन विश्वास से प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल कर रही थी जिससे उसका कान पूरी तरह से ठीक है, अभी उसे दर्द नहीं होता, इसलिए ये प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। इसके अलावा 1 सप्ताह पहले इनकी दोनों बेटियां सोई थी, उनके बदन पर जो चादर थी उस चादर के अंदर बिच्छू था, इनकी बेटी के बगल में ही वो बिच्छू था, प्रभु ने इनकी दोनों बेटियों को बचाया, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। बहन प्रिया नितिन वागदड़े उनकी गवाही बता रही है कि जब वो गर्भवती थी तभी उन्होंने व्हाट्सएप पर उनकी समस्या भेजी थी, प्रार्थना घर में इस बहन के लिए प्रार्थना की गई थी, प्रभु की दया इस बहन पर थी। जब डिलीवरी का समय आया तब उन्हें अस्पताल में लेकर गए, तब डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की नाड़ी उलझ गई है और आपका बीपी भी बढ़ गया है। उन्हें दाहनु के अस्पताल में जाने के लिए बताया गया, उन्हें उस अस्पताल में ले जाया गया और डिलीवरी के लिए अंदर लिया गया, तब उनका बीपी बढ़ गया था जिस वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, पर प्रभु का अनुग्रह इस बहन पर था इसलिए इनकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। 13 नवंबर के दिन प्रभु ने इन्हें बेटी देकर आशीषित किया है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। पनवेल से भाई समीर रामचंद्र कांबड़े उनकी गवाही बता रहे हैं कि 8 सितंबर के दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, वे दूसरी जगह पर काम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे, परंतु उस काम में भी बहुत सारी रुकावटें आ रही थी और काम में पैसे भी नहीं रहते थे। ये भाई रोज सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और 18 अक्टूबर के दिन व्हाट्सएप पर काम मिल जाए ऐसी प्रार्थना विनती भेज दी जिससे प्रभु का अनुग्रह उन पर हो गया, उन्हें 15 नवंबर से बैंक में सुरक्षा रक्षक की नौकरी मिल गई है, इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। बहन लाड़कू गणपत करमोड़ा उनकी गवाही बता रही है कि 2 साल से उन्हें बहुत खांसी आ रही थी और तब उनके सीने में भी बहुत दर्द होता था,
इन्हें निरंतर खांसी आती रहती थी। ये बहन विश्वास से प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल कर रही थी। इन्होंने इनकी समस्या आशीष के समय सिस्टर को बताई। सिस्टर ने इनके लिए प्रार्थना की। तब से ये बहन पूरी तरह से ठीक है, इन्हें बिल्कुल भी खांसी नहीं आती, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का स्वागत करो जोर से, दिल से कहो प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। प्रभु आपको
से उसका धन्यवाद करो, हृदय से उसे धन्यवाद कहो, हृदय से उसे धन्यवाद कहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तुझसे धन्यवाद, प्रभु तुझसे धन्यवाद। अपने दिल को प्रभु की ओर लगा के रखो, क्योंकि प्रभु यहाँ मौजूद है, वो आपकी ओर देख रहा है। मन के सारे विचारों को दूर कर दो। आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी हो सकती है या बड़ा दुख हो सकता है, पर इन सारे विचारों को और सारी चिंताओं को अपने मन से हटा दो, क्योंकि प्रभु जिंदा है। वो सर्वशक्तिमान है जो आपके जीवन से हर एक दुख को मिटाने के लिए समर्थ है। आपकी बीमारी को एक पल में वो नष्ट कर सकता है, आपके दुख को वो एक पल में खत्म कर सकता है, और वो चाहता है। जैसे कि उसने कोढ़ी को कहा था, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा, वैसे ही वो हम में से हर एक के लिए चाहता है कि वो हमें चंगा करे, हमारे परेशानी को मिटा दे, हमारे दुखों को दूर कर दे। ये उस महान प्रभु की इच्छा है। देखो उसकी ओर, देखो उसके असीम प्रेम की ओर, और उससे दिल से धन्यवाद कहो, क्योंकि वो जितना हम पर प्रेम करता है और वो जितनी हमारी सुधि लेता है, उतनी कोई नहीं ले सकता है। उसके दिल में सच्चा प्रेम है। वो हमारा बुरा नहीं चाहता है, बस भला चाहता है। वो हमारे साथ जो भी करता है भला ही करता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा प्रेमी पिता है। हृदय से उसे धन्यवाद कहो, उसके प्रेम के लिए उसे धन्यवाद कहो, उसकी महान करुणा के लिए उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि उसके प्रेम के बदले हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। अपना दिल खोलकर सच्चे हृदय से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तूने मुझ पर सच्चा प्रेम किया है, तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए तूने स्वर्ग खोल दिया है, मेरा नाम तूने स्वर्ग के जीवन की किताब में लिख दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे महान प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद, तेरे असीम प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद।
जो दिल खोल कर प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके ऊपर प्रभु प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु के एहसानों के लिए दिल से धन्यवाद करो, दिल की गहराई से उसे धन्यवाद कहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद प्रभु, तुसे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और अभी प्रभु के लिए अपना दिल साफ करो। यदि आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा या नफरत है तो उनको क्षमा करो, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है हमारे दिल में गुस्सा ना रहे, नफरत ना रहे। किसी ने हमें कितना भी परेशान किया होगा तो भी हमें उनको क्षमा करनी चाहिए। हमारे प्रभु की ओर देखो, जब वो क्रूस पर तड़प रहा था उसने कैसे अपने सताने वालों को क्षमा की और उनके लिए परम पिता के पास प्रार्थना की। जो उसको सता रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिन्होंने उसको बहुत बड़ा दुख दिया था, उन सबों को उसने क्रूस पर से माफ कर दिया। और हमारा प्रभु चाहता है हम भी बिल्कुल वैसा ही करें। जिन्होंने आपको सताया है, आपका नुकसान किया है, आपको फंसाया है, आपको बड़ा दुख दिया है, क्षमा करो उन सबों को। यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपके पापों की प्रभु आपको क्षमा करेगा। क्षमा करो, क्षमा करो। टच, टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। एक छोटे बालक के समान नम्र बन जाओ। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। कबूल करो अपने पापों को। वो हमारे सारे पापों को जानता है, पर ये हमारा फर्ज है कि हमें अपने मुँह से अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, अपने पाप कबूल करने चाहिए। कबूल करो, जीवन के सारे बुरे काम कबूल करो, मन में आने वाले बुरे विचार, आँखों से जो भी गलत देखा है, जबान से जो भी गलत बोल दिया है, कबूल करो। कितने बार हम अपने बर्ताव के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा परमेश्वर को दुख देते हैं। कबूल करो, प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच, टच, टच। और अभी अपने पापों के लिए आज सुबह कर रो कर पश्चाताप करो। जो अपने पापों के लिए रोते हैं उनके लिए परमेश्वर को खुशी होती है। अपनी बीमारी के लिए मत रो, किसी परेशानी के लिए मत रो, बल्कि पापों के लिए रो। हमने हमारे परमेश्वर के खिलाफ, स्वर्गीय पिता के खिलाफ पाप किए हैं, इसलिए हमें दुख होना चाहिए। हमने उसकी आज्ञा को ठुकरा दिया है, उसके प्रेम को ठुकरा दिया है, इसीलिए हमें पश्चाताप होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। आंसू बहाकर कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ। टच, टच, टच। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान किया है। हमारे खातिर उसने अपना पवित्र लहू बहाया है। देखो प्रभु की ओर, जो हमारे लिए क्रूस पर तड़प रहा था। अपने हाथों को उठाओ और उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ,
मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, तेरे लहू से मुझे धो डाल प्रभु, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो।
एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। इसी घड़ी प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। आपके शरीर का हर एक अंग जो शैतान ने बांध रखा था प्रभु उसे छुड़ा रहा है, मुक्त कर रहा है। अभी 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 प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पे प्रभु की आशीष आ जाए, जिनके पास मकान नहीं है उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं है उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज ज्यादा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। उच्च आवाज में कहो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तुसे धन्यवाद, प्रभु तुसे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीष के लिए खड़े हो जाइए। आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, और इसी समय अपने घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और किसी भी चीज पर आप आशीष चाहते हैं तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उनके ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर रखो। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु,
आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, आशीष प्रार्थना घर में हर शुक्रवार और रविवार प्रार्थना सभा शुरू हो गई है। जो प्रार्थना घर में आकर प्रार्थना सभा में सहभाग लेना चाहते हैं, आप फोन पर से अपना नाम देकर आ सकते हैं। प्रार्थना के समय है सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे। सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे। स्क्रीन पर आपको जो प्रार्थना घर का फ़ोन नंबर दिखाया जा रहा है, उस पर फ़ोन करके अपना नाम दर्ज करें। क्योंकि सीमित लोगों को ही लिया जाएगा, इसलिए जो बिना नाम लिखवाए आएंगे उन्हें नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। सभी जन प्रभु का महिमा देखे सभी जन।